नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जनपद कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है एक प्रेस वार्ता। बुद्ध के अवशेष के साथ वहां के एक बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहां पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उनके स्वागत का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अतिथि देवो भव की इस भावना के अनुरूप प्रदेश शासन भी, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी और कुशीनगर के सभी नागरिक भी इस अवसर पर प्रफुल्लित हैं। यहाँ के एयरपोर्ट की जो व्यापक संभावनाएं हैं, न केवल श्रीलंका अपितु जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन तमाम देशों के साथ सीधे सुविधा जोड़ने के साथ ही नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये एक अवसर है हम सबके सामने। जब प्रधानमंत्री जी ने आज से चार वर्ष पहले जो बात कही थी कि उड़ान योजना ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, उत्तर प्रदेश में इसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के अंदर सर्वाधिक एयरपोर्ट को संचालित करने वाला और सर्वाधिक एयरपोर्ट पर कार्य करने वाला राज्य है। हमारे वर्तमान में 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और दूसरा वाराणसी का। अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कल से प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही 9वां एयरपोर्ट फंक्शनल होता हुआ दिखाई देगा और यहां से उड़ान की यात्रा विकास के साथ जुड़ेगी, रोजगार के साथ जुड़ेगी, यहां के लोगों के आवागमन के साथ जुड़ेगी। तो एक व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का, भगवान बुद्ध की विराट जो उनका व्यक्तित्व था उस विराटता के साथ यहाँ के सभी नागरिकों को जोड़ने का भी एक अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हमारी तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है और कल हम लोग सभी उत्सुक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगणों के और जो यहाँ पर अतिथिगण श्रीलंका से आएंगे उन सभी का स्वागत करने के लिए प्रदेश भी और कुशीनगर भी पूरी उत्सुकता के साथ तैयार है। हम लोग यहाँ पर उनका स्वागत भी करेंगे और यहाँ की विकास की उन संभावनाओं को इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से विकास की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने का कार्य भी करेंगे। सर, कोई मेडिकल कॉलेज और हाँ बाकी विकास की योजनाओं के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, जिसमें बाईपास की योजनाएं हैं, कुछ सड़क मार्ग भी हैं और कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज हो इसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 7 वर्षों में देश ने स्वास्थ्य सेवा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। मुझे याद है कि 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 17 से लेकर के अब तक यानी पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से 25 अक्टूबर को हम प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू कर रहे हैं, जिसमें MBBS की पाठ्यक्रम उसमें इस नए सत्र में प्रारंभ होगा।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ादी के 7 दशक में जितना काम नहीं हो पाया है, पिछले 7 वर्षों में उससे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर आज क्रिएट हो रहा है। गोरखपुर का एम्स अगले 1 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा, इसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तावित है। रायबरेली का एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसके लोकार्पण की भी तैयारी हो रही है। और भी अन्य अनेक संभावनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो प्रधानमंत्री जी का कल आगमन कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, पश्चिमोत्तर बिहार के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसका लाभ न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिहार को बल्कि नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को इसका लाभ प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने में भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से बड़ी मदद मिलेगी। श्रीलंका के डेलीगेशन में राष्ट्रपति बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।